हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर, मतलब ऋण पत्रों का निर्गमन। तो सबसे पहले हम लोग डिबेंचर का मतलब समझ लेते हैं। जिस तरह कंपनी शेयर इश्यू करके अपने लिए कैपिटल इकट्ठा करती है, उसी तरह कंपनी डिबेंचर इश्यू करके अपने लिए कैपिटल इकट्ठा करती है। पर फर्क क्या है कि डिबेंचर इश्यू करके जो कैपिटल आया वो उस कंपनी के ऊपर में लोन है, जिसे एक फिक्स पीरियड के बाद कंपनी को वापस करना होता है। अब हम लोग डिबेंचर को अच्छी तरह से समझने के लिए शेयर और डिबेंचर के बीच के फर्क को समझ लेते हैं, तो हमें डिबेंचर का मतलब भली भांति समझ में आ जाएगा। शेयर क्या है? तो शेयर इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ये पूंजी का एक हिस्सा है, एक भाग है। जबकि डिबेंचर इट इज लोन ऑन कंपनी, ये कंपनी के ऊपर में लोन है। दूसरा, शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं। जबकि डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ कंपनी, डिबेंचर होल्डर जो होते हैं कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, लेनदार होते हैं। अगला, शेयर होल्डर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, शेयर होल्डर को अधिकार है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में, प्रबंध में हिस्सा लें, भाग लें। जबकि डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, जबकि डिबेंचर होल्डर को मैनेजमेंट में, कंपनी के मैनेजमेंट में भाग लेने का अधिकार नहीं है। सीधी सी बात है भाई, वो शेयर होल्डर कंपनी के मालिक है तो वो तो मैनेजमेंट में हिस्सा लेंगे, पर ये क्या है, ये कंपनी के मालिक नहीं है, ये कंपनी के लेनदार हैं, क्रेडिटर हैं, इन्हें मैनेजमेंट में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होता है। अगला, शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड। अब जब शेयर होल्डर मालिक है तो मालिक को क्या, वो जो लाभ कमाएगी कंपनी उस लाभ में हिस्सा लेगा, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में लाभांश और अंग्रेजी में डिविडेंड। तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है, लाभ में हिस्सा, जिसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में डिविडेंड। जबकि डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, डिबेंचर होल्डर्स गेट इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर क्या करता है, जो जिसने डिबेंचर खरीदा है वो तो कंपनी को लोन दिया है ना, तो लोन पर उसे इंटरेस्ट मिलता है, तो डिबेंचर पर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा, जबकि डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। आगे है, इनकम इज अनसर्टेन, शेयर पे इनकम अनिश्चित है। कंपनी जब कमाएगी पैसा सबको बांट देने के बाद में, जो भी कमाएगी, जो बचेगा वो कंपनी के मालिक लेंगे, मतलब शेयर होल्डर लेंगे, आपस में बांटेंगे, इसलिए यहां इनकम अनिश्चित है, फिक्स नहीं है। जबकि इनकम इज सर्टेन, डिबेंचर के मामले में इनकम निश्चित है, क्योंकि ये जो लोन दिए उस पर एक फिक्स परसेंटेज इंटरेस्ट का रहेगा, वो परसेंट इंटरेस्ट उसको डिबेंचर होल्डर को मिलेगा, ये तय है, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या लॉस में जाए, या ज्यादा कमाए या कम कमाए, फर्क भी पड़ता है। डिबेंचर होल्डर को जो मिलना है ब्याज, जितना परसेंट मिलना है ब्याज, वो निश्चित है, वो मिलेगा। जबकि शेयर होल्डर के लिए क्या है, कंपनी ज्यादा कमाई तो ज्यादा लाभ में हिस्सा, कम कमाई तो कम लाभ में हिस्सा, नहीं कमाई तो नहीं मिलेगा लाभ में, नहीं मिलेगा हिस्सा। तो ये है। उसके बाद में अगला है, इनकेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर्स गेट देयर कैपिटल बैक आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल आउटसाइड लायबिलिटी। अगर कंपनी समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है, उस स्थिति में शेयर होल्डर को सबसे अंत में सबका पेमेंट, जितने भी सारे आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, उन सब के पेमेंट के बाद अगर कुछ बचेगा तो शेयर होल्डर को वापस उनका पूंजी मिलेगा। जबकि डिबेंचर होल्डर के मामले में क्या, इनकेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अगर कंपनी समाप्त हो रही है तो डिबेंचर होल्डर्स गेट देयर मनी बैक बिफोर शेयर होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर को इन शेयर होल्डर से पहले उनका पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि भाई डिबेंचर को कितने तरह से इशू किया जाता है। तो बिल्कुल शेयर की तरह, जिस तरह शेयर को इश्यू किया जाता है तीन अलग अलग वैल्यू पे, फ्रेश एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, उसी तरह डिबेंचर को भी तीनों तरह से इश्यू किया जाता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार मतलब क्या, सम मूल्य पर, मतलब अगर मान लिया दस रुपए का डिबेंचर है और दस रुपए में ही इशू कर दिया तो इसे बोलते हैं इशू एट पार, ये डिबेंचर को सम मूल्य पे इशू किया गया, इशू एट पार, जिसे हिंदी में क्या बोलता है, सम मूल्य पर, मतलब जितने का है उतने में इशू करना पब्लिक के बीच। अगर दस का है और ये दस का डिबेंचर है और इसे दो रुपए कम पे, मतलब आठ रुपए पे इश्यू किया गया है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, इश्यू एट डिस्काउंट, कटौती पर निर्गमन, है ना।
सममूल्य पर निर्गमन। और एक स्थिति और हो सकता है कि जितना फेस वैल्यू है 10 का है और 2 रुपए ज्यादा पे मतलब 12 रुपए पे इश्यू किया जा रहा है, तो क्या हुआ? इश्यू एट प्रीमियम मतलब अधिमूल्य पर निर्गमन। तो बिल्कुल क्या है, शेयर की तरह इसे भी अलग अलग फेस वैल्यू पे इश्यू किया जा सकता है, जिसे इश्यू एट पार कहते हैं, सममूल्य पर निर्गमन। फेस वैल्यू से कम पे इश्यू किया जा सकता है, जिसे इश्यू एट डिस्काउंट कहते हैं, है ना, कटौती पर निर्गमन। या फेस वैल्यू से अधिक पे इश्यू किया जा सकता है, जिसे इश्यू एट प्रीमियम कहते हैं। तो तीनों तरह से इशू किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो शेयर का, जैसे शेयर का पैसा किस्त में लेती है कंपनी, क्या इसका भी पैसा किस्त में लेती है? तो हाँ, इसका भी पैसा उसी तरह किस्त में लिया जाता है जिस तरह वहां लिया जाता था। सपोज 10 रुपए का है ये डिबेंचर, 10 रुपए का ही डिबेंचर है और ये 10 रुपए लेना है, तो कंपनी एक बार में नहीं लेगी, बिल्कुल शेयर की तरह ऑन एप्लीकेशन। सपोज ले लिया ये 2 रुपए इसने, ठीक है, फिर ऑन अलॉटमेंट कंपनी ने ले लिया 3 रुपए, और फिर ऑन फर्स्ट कॉल 3 रुपए ले लिया कंपनी, तो 2, 3, 5, 3, 2, 3, 5, 3, 8 बचा कितना, 2 रुपया, वो ले लिया कंपनी ने ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरह कंपनी किस्त में डिबेंचर का पैसा पब्लिक से वसूलती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे यानी क्या, यहां पे क्या होता है, कंपनी ने ऑफर निकाला, है ना, पब्लिक को इनवाइट किया कि आप हमारा डिबेंचर खरीदने के इच्छुक है तो आवेदन दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए। तो उस समय जो एप्लीकेशन के साथ जो पैसा आया वो ऑन एप्लीकेशन आया, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, उनके बीच में डिबेंचर बांटती है, उस समय जो पैसा मांगती है उसे ऑन अलॉटमेंट बोलते हैं, ठीक है, ऑन अलॉटमेंट मांगा गया पैसा। उसके बाद कंपनी कॉल करती है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे जो पैसा मांगी वो फर्स्ट कॉल मनी हो गया, और जो सेकंड कॉल पे पैसा मांगी वो सेकंड कॉल मनी हो गया, सेकंड एंड फाइनल कॉल। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड कॉल तक नहीं गई कंपनी, फर्स्ट कॉल में ही सारा पैसा मांग ली, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही हो जाएगा, तब तो सेकंड कॉल की बारी ही नहीं आएगी। अच्छा, ये तो हो गया कि कंपनी अपना पैसा जो है डिबेंचर जो इश्यू कर रही है मार्केट में उसका वो किस्त में वसूलती है, इंस्टॉलमेंट में वसूलती है, जो हम लोगों ने देखा। इसके अलावा कंपनी ये जो डिबेंचर का पैसा है, जिस तरह शेयर, बिल्कुल शेयर की तरह जैसे शेयर में था कि किस्त में भी पैसा लेती है या एक बार में भी ले सकती है, उसी तरह डिबेंचर के मामले में भी हो सकता है कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा ले, या हो सकता है कि कंपनी एक ही बार में सारा पैसा मांगे, ठीक है। अब इस पर एक हम लोग सवाल बनाते हैं और देखते हैं किस तरह से एंट्री होता है। एंट्री बिल्कुल उसी तरह होना है जैसे शेयर में होता था, फर्क क्या पड़ेगा कि शेयर और शेयर कैपिटल के जगह पे यहां पे डिबेंचर लिखा जाएगा क्या, तो शेयर और शेयर कैपिटल जहां जहां लिखा जाता है एंट्री में, उस जगह पे यहां पे डिबेंचर लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक सवाल, एग्जाम्पल, मान लिया कि 2000 डिबेंचर है कंपनी इशू कर रही है, 2000 6% डिबेंचर ऑफ रुपीज 10 इंच इश्योर्ड, है ना, बाय अ कंपनी, बाय अ कंपनी अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन रुपीज टू ऑन अलॉटमेंट ₹3, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2, एंड ऑन सेकेंड कॉल
2, 3, 5, 2, 7, ₹3, ठीक है। एक कंपनी ने 2000 शेयर इशू किए, ₹10 के शेयर थे, फेस वैल्यू ₹10 था, है ना। और उसके अमाउंट कैसे था, एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹3, फर्स्ट कॉल पे ₹2 और सेकंड कॉल पे ₹3। अब इसका जो एंट्री कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, तो भाई सबसे पहले एप्लीकेशन पे जो पैसा मिलेगा उसके लिए कंपनी एंट्री करेगी, है ना। तो क्या एंट्री होगा, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 6%। अच्छा ये ध्यान रखना है कि डिबेंचर जो भी रहेगा उसके आगे ये परसेंट दिया रहेगा। ये परसेंट इंडिकेट करता है, ये बतलाता है कि उस डिबेंचर पे इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलना है, जो भी उसका फेस वैल्यू है, उसका जो टोटल वैल्यू होगा उसका उतना परसेंट उसे इंटरेस्ट मिलना है। ये इसी बात को बतलाता है, ये जो परसेंट दिया रहता है डिबेंचर के आगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, तो 2000 डिबेंचर है और एप्लीकेशन मानी ₹2 पर डिबेंचर है ना, तो कितना हो गया 4000, ठीक है। नरेशन बेइंग एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ ₹2 ईच received on 2000 debentures इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन के पैसे को डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगा, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। ये ₹4000 एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर में कर दिया गया, डिबेंचर अकाउंट में कर दिया गया ट्रांसफर, है ना। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद कंपनी डिबेंचर अलॉट करेगी, अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, तो उस अलॉटमेंट के पैसे के मांगने की एंट्री क्या एंट्री होगा भाई, 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। कितना अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे है ₹3 और 2000 डिबेंचर है तो कितना होगा, 2000 × 3, 6000। ये अलॉटमेंट का पैसा कंपनी मांगने का एंट्री की, बीइंग अलॉटमेंट मनी एट द रेट ऑफ ₹3 ड्यू ऑन 2000 डिबेंचर। इसके बाद ये अलॉटमेंट मनी कंपनी को मिलेगा तो उसके मिलने का एंट्री क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना 6000 ये पैसा मिला, अलॉटमेंट का पैसा मिला, उसके लिए एंट्री। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हो गया। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, उसके लिए क्या हो गया, 6% डिबेंचर, 6% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 6%
डिबेंचर अकाउंट। कितना भाई फर्स्ट कॉल पे? 2 रुपया, तो 4000 होगा। 2000 से 2000 डिबेंचर है, 2000 मल्टीप्लाई 2, 4000। ठीक है। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी एट द रेट ऑफ रुपीज 2 ईच ड्यू ऑन कितना 2000 डिबेंचर। ठीक है। इसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने का एंट्री जो प्राप्त होगा उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना 4000। मेन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, उसके बाद में सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये कितने का है? तो भाई ये भी ये है 3 रुपए का, तो कितना हो जाएगा? दो। ठीक है। 6 पर ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगेंगे उसका एंट्री 6% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट कितना 3 रुपया, तो 2000 शेयर मल्टीप्लाई 3, 6000 रुपया। ये हो गया सेकेंड एंड फाइनल कॉल कंपनी के द्वारा मांगी जाने पे एंट्री, है ना। नरेशन बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ रुपीज 3 ईच ड्यू ऑन 2000 डिबेंचर। ठीक है। अब ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल लेने का एंट्री, तो उसके लिए पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये 6000 रुपया मिल गया सेकेंड एंड फाइनल कॉल का उसके लिए। मीन सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, तो ये होगी एंट्री। ठीक है। यहां पे हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल शेयर इशू करते थे और उसका जो इंस्टॉलमेंट में पैसा आता था उसके लिए जो एंट्री करते, बिल्कुल उसी तरह एंट्री यहां पे किया। फर्क एक ही पड़ा कि शेयर और शेयर कैपिटल के जगह डिबेंचर टर्म का, डिबेंचर वर्ड का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि पहला एप्लीकेशन के टाइम में बैंक वाला एंट्री पहले होता है, उसके बाद में ट्रांसफर एंट्री होता है। बाकी सभी में ट्रांसफर एंट्री पहले होता है, फिर पैसा लेने वाला मतलब बैंक वाला एंट्री किया जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी पैसा मांगती नहीं है, कंपनी पब्लिक में ऑफर निकालती है, कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि अगर आप इच्छुक हैं तो आप आवेदन दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, है ना, डिबेंचर को खरीदने के लिए। तो उस समय कंपनी क्या करती है, पब्लिक एप्लीकेशन देती है, साथ में पैसा जमा करती है। तो उस समय कंपनी को पहले पैसा मिलता है, तब उसे फिर वो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करती है। इसलिए बैंक वाला एंट्री पहले हुआ एप्लीकेशन के टाइम में, फिर उसका ट्रांसफर एंट्री हुआ। बाकी अलॉटमेंट से कंपनी फिर पैसा मांगना शुरू करती है, इसलिए वहां से आगे चलकर मांगने वाला या कहें ट्रांसफर एंट्री पहले फिर बैंक वाला, पैसा लेने वाला एंट्री किया जाता है। ठीक है। तो ये देख लिया हम लोगों ने कि अगर कंपनी डिबेंचर का पैसा इंस्टॉलमेंट में ले रही है तो, और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जो डिबेंचर का पैसा एक ही बार में एप्लीकेशन के टाइम में ही सारा पैसा ले रही है, तो उस स्थिति में क्या एंट्री होगा देखते हैं। अब ये सवाल है 2000 डिबेंचर 6% डिबेंचर ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड बाय अ कंपनी ऑल द अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। 2000 डिबेंचर 10 रुपए वाले कंपनी ने इशू किए 6% डिबेंचर,
और इसका जो सारा पैसा था एप्लीकेशन के टाइम ही दिया जाना था। तो अब एक ही बार में पैसा लेना है तो इसके लिए गारंटी करेगी कंपनी, तब एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना भाई? तो 2000 डिवेंचर, 10 रुपया पर डिवेंचर, कितना हो गया? 20,000 रुपया बीइंग एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ ₹10 ईच रिसीव्ड ऑन 2000 डिवेंचर, ठीक है। और फिर इस पैसे को कैपिटल डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री 6% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर अकाउंट, कितना? 20,000। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट एंड डिवेंचर अलॉटेड। ये एंट्री तब जब कंपनी जो भी पैसा है उस डिवेंचर पे एक ही बार में लंपसम ले रही है, उस स्थिति में होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।